महाभारत 58 परीक्षित का जन्म मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। द्वारका में अपने माता पिता के साथ भी स्थिर चित्त नहीं रह पाई सुभद्रा। सदा वह रही आकुल चित्त अपने पुत्र अभिमन्यु की याद में। सदा उसे याद आती रही विराट पुत्री उत्तरा। कहा उसने एक दिन अपने भ्राता कृष्ण से, भैया बहुत विकल हूं मैं देखने को उत्तरा को। यह है उसके गर्भ का अंतिम माह। ले चलें आप मुझे अभी हस्तिनापुर। रहना असंभव है मेरा अब यहां एक पल भी। दोनों ने ली माता पिता से अनुमति और कृष्ण चल दिए उसे लेकर हस्तिनापुर। इधर शोक विह्वल उत्तरा ने दो दिनों से त्याग दिया था भोजन पानी। अपने पति के बिना नहीं था अब उसे अपना जीवन स्वीकार। तब सुभद्रा ने उसे गले लगाया, उसे सस्नेह समझाया, पुत्री तुम्हारे ही गर्भ से जन्म लेने को तत्पर है अभिमन्यु का अंश। फिर से होगा इसी माध्यम से पुनः अभिमन्यु का जन्म। और तब धीरे धीरे उत्पन्न हुआ गर्भस्थ शिशु के प्रति उत्तरा में आकर्षण। कृष्ण चिंतित थे उस गर्भस्थ शिशु के विषय में। प्रभावित था वह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। उस दिन जब द्रौपदी के सभी प्रसुप्त पुत्रों और धृष्टद्युम्न की हत्या कर चुका था अश्वत्थामा, कर चुके थे रात्रि के गहन अंधकार में अनेकों कर चुका था रात्रि के गहन अंधकार में अनेक स्त्री पुरुषों का अग्निदाह पांडव की उपस्थिति में। और अगले दिन जब लौटने पर ज्ञात हुआ सब कुछ पांडवों को, तब उसे ढूंढते हुए पहुंचे वे वहां जहां वह था छुपा। तब पांडवों को देखते ही उनके भय से उसने एक सीक में संकल्पित कर संधान कर दिया पांडवों की ओर ब्रह्मास्त्र। तब मैंने ही कहा था उससे, अमोघ है यह महास्त्र जिसे तुम नहीं जानते शांत करना। यदि करना चाहते हो तुम अपने प्राणों की रक्षा पांडवों से, तो मोड़ दो इसे उत्तरा के गर्भ की ओर। तब भयभीत अश्वत्थामा ने ऐसा ही किया था। बच गए पांडव, किंतु संकट से घिरा है उत्तरा का गर्भस्थ शिशु, संकट में है उसका प्राण। तभी कृष्ण ने सुना चारों ओर प्रसन्नता आह्लाद उत्साह से भरा चारों ओर से आता स्वर। उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ है एक बालक। पुत्रवती हुई उत्तरा, पांडुकुल नंदन का हुआ आगमन। गूंजे ही थे गीत नाद के स्वर कि तभी आने लगा भीतर से सबका आर्तनाद। नहीं है चेतना बालक के शरीर में, नहीं चल रही है उसकी सांस। सुनते ही कृष्ण तीव्र गति से पहुंचे उत्तरा के प्रसूति गृह में। देखा उन्होंने माता कुंती की गोद में पड़ा है उनका पौत्र निष्प्राण। आगे बढ़कर केशव ने समग्र संकल्प से फेरना आरंभ किया। जैसे ही धीरे धीरे अपनी हथेली उस नवजात निष्प्राण शिशु के शरीर पर, वैसे वैसे दूर होने लगा बालक पर से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव। धीरे धीरे चलने लगी उसकी सांस और जैसे ही दूर हुआ उस पर से महास्त्र का पूर्ण प्रभाव, वैसे ही करने लगा बालक अपने हाथ पांव फेंक फेंक कर। और सारे घर में वैसे ही क्रंदन करने लगा बालक अपने हाथ पांव फेंक फेंक कर। और सारे घर में छा गया अपार आनंद उत्साह। तब बोले केशव, कुरुकुल के परीक्षीण हो जाने पर उत्पन्न हुआ है यह बालक, इसीलिए बालक का नाम होगा
परिक्षेत्र, यही बनेगा इस वंश का अग्रगामी आधार।